नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। सारी जानकारी इसमें आपको देंगे कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, प्राइमरी के लिए क्या क्या डिग्रियां मान्य हैं, जूनियर के लिए क्या क्या डिग्रियां मान्य हैं, 50% की जो कंडीशन है वो है या नहीं है, पीजी के बेस पर आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। आपको बता दें ये मार्च 2021 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वही नोटिफिकेशन आपका इसमें अक्टूबर 2021 में ही मान्य रहेगा, अलग से इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, ठीक है। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मालूम है, इसमें दो तरीके से पेपर होता है। पहला लेवल 1 का होता है, यानी जूनियर प्राइमरी स्तर का, दूसरा होता है जूनियर स्तर का। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्राइमरी स्तर की, कक्षा 1 से 5 तक के लिए, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, ठीक है। न्यूनतम अर्हता तो लिखा है विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी ग्रेजुएशन आपने उत्तीर्ण किया हो, साथ में NCT से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आपने DLED यानी BTC किया हुआ हो, या तो आप अंतिम वर्ष में DLED में शामिल हो रहे हैं या आप अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है, ना ही ग्रेजुएशन में और ना ही आपका उसमें DLED में, ठीक है। अब दूसरी एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर वो देखिए लिखा है, विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से, यानी डिस्टेंस मोड से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले तथा उत्तीर्ण, यानी जो शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय कोर्स डिस्टेंस मोड से करवाया गया है, तो उसमें जो अंतिम सेमेस्टर में शामिल है, अंतिम वर्ष में शामिल है या उत्तीर्ण, तो ऐसे अभ्यर्थी भी यहाँ पर पात्र हैं। तीसरा देखिए पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए, NCT इससे मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी DED जिसको कहते हैं, ठीक है, डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है, DED होता है, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी DED विशेष शिक्षा आपने किया हुआ है या अंतिम वर्ष में है, तब भी आप पात्र इसमें रहेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चौथी प्राइमरी लेवल के लिए, वो BED के बारे में है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि UGC से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक आप होना चाहिए, यानी आप BED हैं, ठीक है, और या तो आपका स्नातक में 50% होना चाहिए, और स्नातक में 50% नहीं है और आपने PG किया हुआ है, PG में 50% है, तब भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये BED अभ्यर्थियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और BED के जो अंतिम वर्ष में शामिल होने रहे हैं अभ्यर्थी हैं, यानी जो सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी अपीयरिंग फाइनल ईयर वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 50% की यहाँ पर कंडीशन जो बोली गई है वो ग्रेजुएशन में रखी गई, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन आपने परास्नातक किया हुआ है, वहाँ पर आपका 50% है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये BED वालों के लिए विशेष है, ठीक है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर बोला गया है वो यहाँ पर है, BED वालों के लिए ही है, लेकिन NCT द्वारा समय समय पर कुछ दिशा निर्देश जारी होते हैं, तो उन नियमों के अंतर्गत अगर आपने किया हुआ तो न्यूनतम 45% आपका स्नातक या PG में होना चाहिए, और BED वालों के लिए, ठीक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं लागू होगा। जो NCT कुछ रूल्स होते हैं विशेष अभ्यर्थियों के लिए आते हैं, उनके लिए लागू होगा, जो नॉर्मल छात्र हैं उनके लिए ऊपर वाला ये चीज़ लागू होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है विधि द्वारा स्थापित एवं UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित NCT द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट BTC प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यानी जो विशिष्ट BTC वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, नॉर्मल छात्रों के लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर कुछ और देखिए एलिजिबिलिटी बताई गई है। यहाँ पर देखिए ये जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है BTC उर्दू प्रशिक्षण के बारे में है,
जिन्होंने 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण लिया हुआ है वो या तो अंतिम वर्ष में है या उत्तीर्ण है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। फिर बोला गया कि अगले पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग में जो कर रहे हैं छात्र, या तो अंतिम वर्ष में है और या तो क्वालिफाई हो चुके हैं, तो ऐसे भी छात्र यूपी डेट में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यहाँ पर भी परसेंटेज की कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर है वो यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही है, लेकिन ये 11/8/97 के पूर्व वाले अभ्यर्थियों के लिए जो मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि जिन्होंने लिया हुआ है 11/8/97 से ये पहले जो उन्होंने ये डिग्री लिया हुआ है उर्दू शिक्षा के, तो वो यहाँ पर पात्र हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली जल्दी देखिए ये यहाँ पर है बीएलएड अभ्यर्थियों के बारे में। बीएलएड आप लोग जानते हैं स्नातक के बाद 4 वर्षीय का एक कोर्स होता है जिसको बीएलएड के नाम से जानती हैं, तो बीएलएड के लिए यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, या इंटरमीडिएट नहीं है तो इसके समकक्ष भी कोई अगर आपने क्वालिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन कंडीशन है 50% न्यूनतम इंटर में होना चाहिए और 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक में डिप्लोमा होता है कोर्स बीएलएड जिसको कहते हैं, इसमें अगर आप अंतिम वर्ष में शामिल हैं या उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अंतिम वर्ष वालों को मौका दिया गया, यानी चतुर्थ वर्ष वालों को मौका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगली एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगली एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर आ गए जूनियर के बारे में। प्राइमरी के बारे में सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, जो प्राइमरी के छात्र हैं सर जो हमने बताया वही आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए जूनियर के बारे में यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया यूपी टेट में, सबसे पहले पॉइंट पर दिया गया है यहाँ पर डीएलएड बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो अंतिम सेमेस्टर में हैं या उत्तीर्ण हैं। ठीक है, यानी जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो जूनियर स्तर के लिए भी यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साफ शब्दों में देख सकते हैं लिखा है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की और साथ में आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डीएलएड 2 वर्षीय जो कोर्स होता है या बीटीसी जिसको नाम से जानती हैं, तो वह अभ्यर्थी अपियरिंग में है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, क्वालिफाइंग है तब भी डाल सकते हैं। डीएलएड वाले दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले भी दोनों में, प्राइमरी जूनियर में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पर है ये बीएड अभ्यर्थियों के बारे में है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हों या परा स्नातक हों, ठीक है, दोनों में किसी एक में आपका 50% होना चाहिए और आप बीएड के अंतिम वर्ष में हैं या उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बीएड अभ्यर्थियों के बारे में। अब अगली जो एलिजिबिलिटी है ये बीएड वालों के लिए ही है, लेकिन ये विशेष बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए है जो समय समय पर एनसीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं उन वाले अभ्यर्थियों के लिए जिसमें स्नातक में 45% मांगा जाता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक तथा कोई विशेष जो है आपने लिया हो कोर्स आरसीआई संस्था द्वारा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा यानी जो है या बीएड विशेष शिक्षा आपने किया हुआ है कोर्स, तो वो वाले अभ्यर्थियों के लिए है, नॉर्मल बीएड वालों के लिए ये वाला पॉइंट नहीं है। इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये बीएड कोर्स होता है एक, ठीक है, उनके अभ्यर्थियों के लिए 4 वर्षीय ये कोर्स होता है ये उनके अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि 50% आपका इंटरमीडिएट मार्क्स होना चाहिए और आपने 4 वर्षीय जो कोर्स होता है बीएड या बीएड कोर्स जो होता है, ठीक है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र है, अंतिम वर्ष वाले भी पात्र हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट यहाँ पर है वो है यहाँ पर बीएससी एड वाले जो अभ्यर्थी होते हैं या बीएससी बीएड वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, ये ध्यान से रखना ये 4 वर्षीय कोर्स की यहाँ पर बात हो रही है, नॉर्मल बीएससी या कोर्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट में 50% की कंडीशन है और साथ में 4 वर्षीय जो कोर्स होता है उनके लिए ये है, अंतिम सेमेस्टर वाले भी यहाँ पर पात्र हैं। ठीक है, फिर अगला है बीएड कोर्स के बारे में, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं 50% इंटरमीडिएट में अगर मार्क्स हैं उनके और 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा वाला कोर्स होता है वो भी यहाँ पर पात्र हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कम 50% अंकों के साथ स्नातक क्वालिफाई आपका होना चाहिए।
ठीक है, या और साथ में बीएड विशेष शिक्षा वाले जो अभ्यर्थी हैं खासकर उनके लिए अपडेट है जिन्होंने बीएड विशेष शिक्षा से किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर जहाँ कहीं भी 50% की बात कही गई है वो सब एक जनरल अभ्यर्थियों के लिए बात कही गई, यानी यू आर कैंडिडेट्स अनरिजर्व की बात करी गई है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 50% जहाँ कहीं भी लिखा है उन सब में 5% की छूट रहेगी उनको। ठीक है, जैसे लिखा है एससी एसटी ओबीसी विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिकार्हता में 5% अंकों की छूट जो है वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संबंधित बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी में एलिजिबल किए गए हैं, प्राइमरी में फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनकी जॉब लगती है प्राइमरी में तो 6 महीने के अंदर उनको जो है एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे सहायक अध्यापक के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के अंदर आपको जो है 6 माह का जो ब्रिज कोर्स होता है वो आपको अतिरिक्त करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है, तो परीक्षा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो है आपका 1 से 5 तक के लिए एक पहला पेपर है जिसको पेपर फर्स्ट बोलते हैं, 6 से 8 के लिए दूसरा पेपर होता है जिसको पेपर सेकंड बोलते हैं, और पेपर जो होगा उसका जो डिटेल सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है इस पीडीएफ में, मैं आपको दिखा भी दूंगा, और ये सिलेबस आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcentre.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बात करी गई है प्राइमरी लेवल की, तो पहला बाल विकास आएगा आपका, 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, 30 अंक आएगा। दूसरा भाषा प्रथम यानी हिंदी आएगा, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के। भाषा द्वितीय जो होता है उसमें अंग्रेजी या उर्दू में कोई एक आप ले सकते हैं संस्कृत में से, ये भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। इसके बाद गणित आपका आता है, ये भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। और इसके बाद ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन आता है, तो ये भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के। टोटल 150 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर का पेपर होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। 150 में से एससी और रिजर्व कैटेगरी को 82 नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसको 90 नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जितना ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आपका जो मेरिट होता है थोड़ा सा अच्छी बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह जूनियर की बात करें तो जूनियर में भी आपका 150 प्रश्न ही आएगा जूनियर में भी। तो इसमें भी देखिए एससीडीपी बाल विकास होता है, 30 प्रश्न आएगा आपका। हिंदी भाषा अनिवार्य है, उससे 30 प्रश्न आएंगे। भाषा टू में यहाँ पर भी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में कोई एक चुन सकते हैं, 30 प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर जो होता है यहाँ पर साइंस साइड आर्ट साइड के लिए यहाँ पर 2 सेक्शन बना दिए गए हैं। गणित जो साइंस साइड के अभ्यर्थी हैं वो लोग गणित विज्ञान का सेक्शन अटेंड करेंगे और इसके लिए 60 प्रश्न आएंगे, 30 गणित के 30 विज्ञान के। जो आर्ट साइड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन का सेक्शन आएगा, इसमें भी कुल मिला करके आपके 60 प्रश्न आएंगे। और खंड गा में लिखा है अन्य किसी शिक्षक के लिए कात्वक हमें कोई एक, तो यहाँ पर जो कॉमर्स वाले हैं तो या अपने हिसाब से देख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी आई थिंक आर्ट साइड में जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे 150 मार्क्स के, इसमें से 82 और 90 क्रमशः लाने होंगे रिजर्व कैटेगरी को और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अच्छा कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें यूपीटीटी की जो सर्टिफिकेट की वैधता है वो 5 साल ही दी गई। तो एक्चुअल में दोस्तों देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन जो है आपका ये मार्च का है, नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इस यही वाला नोटिफिकेशन मार्च वाला भी यहाँ पर एलिजिबल कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं लोग, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। जो यूपीटीटी सर्टिफिकेट की वैधता है ये अभी हाल में बढ़ाई गई है, बाद में बढ़ाई गई है, तो ये आपका आजीवन ही मान रहेगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखें लिखा है कि 5 वर्ष तक मान रहेगा, तो मार्च में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो ये उस समय 5 वर्ष के लिए मान था। ठीक है, 5 वर्ष के लिए, लेकिन वर्तमान में इसकी जो वैधता है आजीवन कर दी गई, लाइफ टाइम कर दी गई है। तो अब जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो लाइफ टाइम ही मिलेगा मान का, तो उसको लेकर टेंशन ना लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको फॉर्म भरना चाहते हैं या कोई अन्य डिटेल्स प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट governmentjobcentre.com। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जैसे यहाँ पर आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आएंगे यूपीटीटी 2021 ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा आपको।
ठीक है, यहाँ पर डिटेल जो है इसका सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं और आवेदन भी आप लोग यहीं से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा, लिंक जो है आज शाम 5 बजे एक्टिवेट हो जाएगा 7 तारीख को, ठीक है। बाकी सिलेबस अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आपको सिलेबस के सेक्शन में आना है और यहाँ से देखिए ये लिंक दिया गया है, UPTET 2021 पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस, इससे आप सिलेबस डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।